कदें मानुन के आसर कोन नो यो त हन तबके के सुबाने ठीक करे बदलाए मोटा सके तो नो पेरे नि खा हन सिंधी आवाम जी निजात छामे आ ए की है उन जा बुनियाद सही समझी वाजे कया लिखतन में तहरीरी जबानी ए किरदार में अमल सा तंजीम सा पॉलिसियों तो वडो फर्क जको आ वो यो आ त हन पान के रिवोल्यूशनरी समझो ए अमली तरह सारी जिंदगी ओड़ी गुजारी ए ओड़ी पॉलिसियों सामू आवाम जी आंदियों जका उनी ताकत सगवी मसल कैरेक्टर जो आ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो समझो पान के क्लेम के एकड़ी शै खुद हो एकड़ी भी शै इन करे जे कथक भी सुबाने खुद ताके एकड़ो पली साहब जो दिलचस्प मकालो थव जको छपेला के जमाने में सैयद भुट्टो पेन वटाए खुद रसूल बख्श पली जे की देठो आ बिनी के सैयद भुट्टे के ओ ता दिसन कपे बिनी जी तारीफ थला उन में जेका जायज तारीफ लर्न था पंजे किरदार जी ओ थला उन में जेके हुनन जे सियासत जा बुनियादी नुक्स कमजोरियों खराबियों मुस्तकबिल जे वधिक ब्लंडर से अमकान हुआ मिशन थे में नजर पड़ जो यो फर्क है पलीय साहब जी सारी जिंदगी इन लिहाज का निहायत चिट्टी वाजे आको समझो उन जिंदगी में इं ही बिना इन लिहाज करण के गाल केतरे हद तक केतरी कि मू कबूल कह सही गाल ही अट ही कदम आसर को रखो इन कर पलीय साहब की पॉलिटिक्स में खुद फ्रेबी बिना है मानन से फ्रेब बिना है उन कर मे अस पावर में दस असरी मांग के पान से फ्रेब बिना है आवाम से फ्रेब बिना है जितनी गाल जी आ सही ओतरी बुधायल आ न मानुन के कूड़ो आसरो आ न मानुन सा धोखो आ न पान धोखो आ सही है मूँ ये कौन चाहिए रिकॉर्ड थे तो को मू इमत जम हूँ मुझे मान जो यो ख्याल आ पर हे जरूर हों में टेंडेंसी या उन्हें रवश ए सलाहत नंढपण का लीडरशिप जड़ी होंगी ओडा मायल होंगी हर गाल में अगर थे पसंद कह उनके हालतू मुयसर थन थी वो मूल अगवा थी वन जो मिसाल भुटे दिनों बो मिसाल बना पर ये टई कैटेगरीज अगवाणी जो एकड़ी कैटेगरी आए तो मानू में टेंडेंसी आए मानू की सलाहत उनमें ओड़ी आए पर मानू जा ख्याल गैरमामूली ना मानू में इल्म घणो गहरो ना मानू में डाप घणी गहरी ना मानू जो कैरेक्टर ओड़ो ना पर मखसूस हालतुन के करे मानू अगवान थी वन था उहे इहा लीडरशिप की कैटेगरी जरूर आए पर कैटेगरी सुपीरियर ना है बी कैटेगरी आ मून जो तारीख के मखसूस दौर में उभरी था अचन वो इतफाक आड़ो जैसे चब प्रॉबेबिलिटी चांसिस मुमकिन आ मू जबरदस्त हो हालतू उन जबरदस्त मिलन वो वाकई मू बेमिसाल सामू अचे बया मून लीडर हिटलर भी हो हिटलर में सलाह तो लीडरशिप न हुई हिटलर वो मू जै पार्लियामेंट का अक्सरती वोट वरतो यो चई तो विसारे छो जम डेमोक्रेसी मुख्य अख्तियार दियो मैं इन कौम के ठाई छस तबर आ जै पार्लियामेंट में हिटलर वोट वरतो उनमें केर केर मौजूद हुआ उनमें वो जर्मन फिलोसफर थियोडोर ह्यूस मौजूद हो बतौर मेंबर के जो चांसलर थो उन मुल्क सरबराह थो सी मान वोट ना उनके लीडरशिप उनमें हुई
सलाहियत में हुई तारीख जो मखसूस हालतों फिरी आयो इतने मानू उभरी आयो उन तबाह कर छो पानी कौम के दुनिया के इन कर यो इत्तफाक जेके मानू तारीख जे इत्तफाक में उभरन था एक्सीडेंट में उभरन था वो एक अजीब इत्तफाक है जे गाल ठहींदी ए मानू जबरदस्त हुंदो तो वो फायदो थींदो मानू नुकसानकार हुंदो तो तबाही थी वेंदी मुझी नजर में मां जाती तरह ये मुझी पंजी राय मां तारीख में वधीक सुपीरियर डिग्री लीडरशिप जी उनके समझा तो जेके मानू हकीकत में पंजे दाहप पंजे इल्म पंजे इदराक पंजे वडन मकसदन ए वडन आदर्शन जे बुनियाद ते पान के पोरे सा ठाए मेहनत करे वडा मानू थन था खराब उन थी सकन था इनायत इम्कान ना उन मानू जबरदस्त मकसद रखंदे हलंदे हलंदे खराब सके तो मानू इंतहाई फजूल होंदे हलंदे हलंदे चवन सके तो ये हिस्ट्री में का भी तय थल ना है मिसाल जाम नवाज शरीफ कल आए जा आए जाओ हाँ चाहे तो गाल हिं कें तस्वर हो कल बेनजीर छियासी में आई तो 10 लाख मान इस्तकबाल कर मानू लगो तो ये बढ़ी अज बोली भी गाल पर मुझी नजर में जो टे कैटेगरी तक बुझा उन में सुपीरियर क्वालिटी की लीडरशिप जी है वह तारीख में हुआ टी कैटेगरी आ जैसे मानू जे लीडरशिप जे डेवलपमेंट है उभरण के पुरा उनकी दाहप उनकी समझ आ उनको इदराक आ उनकी फर्ज शनासी आ उनकी बहादुरी आ उनकी इल्म लियाकत आ उनको फन आ उनके आदर्श हैं उनका मकसद हैं वह शै वधीक सुपीरियर क्वालिटी की जेका ए वड़ी गाल आंस वाली गाल इन मयार ते को भी लही सके तो जो मानू उन ख्याल जो हो जबरदस्त वाला दाडो सवाल फलासफी गाल तमाम जरूरी है तमाम जरूरी है बहादुरी के बारे में दाडो सवाल फलासफी गाल तो बहादुरी मानू में होंदी है ना होंदी है दुनिया जो को भी मानू जमण वक्त बहादुर ए बुजदिल ना होंदो जैं ढी जमे तो उन ढी न हु बहादुर होंदो न हु बुजदिल होंदो मानू की बुजदिली ए बहादुरी कोई जेनेटिक मसलो ना है कोई बायोलॉजिकल मसलो ना है मानू की बुजदिली ए बहादुरी जो ताल्लुक उनके तस्वरन से है उनकी जिंदगी ज रवैन के बारे में मान तो समझा एडा मफरूज आन मिसाल तौर अस जड़न फरसूदा ए पसमा समाजन में जै शे चो बहादुरी अच्छा बहादुरी आए मैं चांडियो आया मरफानी चांडियो आया मुझे माइटन में तस्वर बहादुरी बहादुर आन वाकई बहादुरी आवा एड़ो मानू जो हो दीवान हुए मेहमान हुए त्याल में वो कें भी चार मारफानी चाणी घट बहादुर बहादुर यो सवाल ना है बहादुरी ए बुजदिली का विरसे मिल शे ना है जेनेटिक ना है बायोलॉजिकल ना है समाजी शे उन जो बुनियाद इन गाल मानू जा जी समझ केतरी आ मानू तस्वर केड़ा है मानू में डाप केतरी आ मानू जो शऊर केतरो गहरो आ वो शे ने किया समझे तो मान तो समझा तो को भी दुनिया जो जो गैर मामूली बहादुर सचो पचो बहादुर मानू वो गैर मामूली शऊर का सवाय बहादुर थी सके मुमकिन ना है दरअसल मानू जा मकसद मानू जा आदर्श मानू जी समझ ए मानू जो शऊर आ जेको जेतरो गैर मामूली ओतरो मानू वधीक बहादुर थे तो इन करे बुजदिली ए बहादुरी का भी विरसे में मिलल शै ना है अगर फजूल आ नंबर बी गाल बहादुर के बारे में बो मफरूज हुआ तो मानू बहादुर उ खौफ न थी या भव न थी दुनिया के सभी का बहादुर मानन के भव थी खौफ थी छो तो खौफ एक फितर जज्बो आ दुनिया जो अड़ो को भी सूरमो ए बहादुर न गुजर आ जै मानू के खौफ न थी हो जिंदगी के रोजमर्रा के घड़न में भी बहादुरी अदम खौफ ना है तो खौफ न होंद तो मू बहादुर न खौफ न मू गड होंद
अलाए ख़बर ना है उनकी कितना लाभ थींदो उनको नहीं खबर ना है पर को बेहिस मानू हो खौफ न थींदो दुनिया के सब का वधीक बहादुर सुर में मानू के खौफ थींदो हर अकुलमंद सालिम दिमाग मानू के खौफ थियण भी खपे सवाल यो ना है तो खौफ अदम खौफ जो नालो बहादुरी जी चाहबो बीमारी की अदम मौजूदगी सेहत हुई मान बीमार ना सेहतमंद मुमकिन है वो बीमार हो बीमार फिलहाल ना है बज़ाहिर वह भी शे दरअसल बहादुरी अदम खौफ ना है बहादुरी खौफ से नालो मुकाबले जो केर मानू पंहिंजे खौफ जे साम्हूं केतिरो सरेंडर करे थो या केतिरो नथो सरेंडर करे इहा बहादुरी आहे मानू पंहिंजे खौफ सां केतिरी मुज़ाहिमत करे थो ऐं पंहिंजे खौफ जे मथां केतिरो